हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैंने फेस पे वैक्स कराया है, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं कराना चाहिए, ये वो ठीक नहीं होता। मेरे बहुत बाल हैं तो इस वजह से मैं करा लेती हूँ। तो मेरे ये दाने इसी वजह से हो रहे हैं, ये मैं इसलिए बताया क्योंकि आप लोग जैसे देखेंगे फिर बोलेंगे दाने हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं। तो ये मुझे होते ही हैं, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे हो जाते हैं। तो अभी मैं जो है शॉप पे जा रही हूँ। शॉप पे जाने से पहले ये चावल रखे हैं, सब्जी बनाई है मैंने आलू टमाटर की। तो मैंने सोचा कि चावल रखे हैं, मुझे तो चावल नहीं, बहुत सारे लोगों को चावल बहुत पसंद होते हैं। तो मैं सोची हूँ कि चलो मैं ये चावल आलू की सब्जी खाती हूँ, सब्जी दिखाऊँ आप लोगों को। गर्म हो गई अभी भी कढ़ाई, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले बना के रख दिया, रोटी बना के रख दी। ये देखिए ये है सब्जी जो कि मैंने काफ़ी देर पहले बना दी। बिना प्याज के बनाती हूँ मैं ये वाली सब्जी जब बनाती हूँ। और ये चावल है तो ये मैं खाऊंगी। नाश्ता भी नहीं करती हूँ मैं, आप लोगों को पता है, मुझे पता है। ये बात सुन के आप लोग मेरे को डांटोगे कि तुम्हें 1000 बार कहा है नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं होता है। अब जब दिल नहीं होता है तो बंदा कैसे खाएगा ना। इस वजह से तो मैं सब्जी थोड़ा सा ज़्यादा ही खाती हूँ। तो मैंने ये डाल लिया सब्जी, ये है चम्मच। ये चम्मच वैसे ही ले रही हूँ, खाऊंगी तो हाथ से। अभी मैं प्लेट को ढक देती हूँ। आप सिर्फ मुझे नाश्ते के लिए नहीं, बहुत सारे लोग मुझे जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो मुझे मेरी बिंदी के लिए भी डांटेंगे, क्योंकि वो मुझे मना करते हैं ब्लैक वाइट और ब्लू कलर की बिंदी लगाने के लिए। तो सॉरी, मुझे पसंद है। आप लोग बोलोगे हाँ तो ढीठ है तू, हम क्या करें, पसंद है लगा ले, फिर हम नहीं कुछ कहेंगे। पर यार अपना प्यार ऐसे मेरे को करते रहा करो, मुझे टोकते रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। देखो मम्मी भी टोकती है मुझे इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं चाहती हूँ टोकते आप रहो। और आप लोग बोलोगे हाँ तू करती रहे, और हम टोकते रहें, बेवकूफ़ हैं हम। तो अभी शॉप पे जाना है तो मैं खा पी के चलती हूँ। चलो लेके चलते हैं। दही भी है, सोच रही हूँ दही डालूँ इसमें नहीं डालूँ, विचार चल रहे हैं मन में। चलो भाई खाना लेके चलते हैं। बस नेहा का भी काम हो चुका है, वो भी जाएगी। मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ आज, मेरे ख्याल से 12:30 बज रहे हैं। हाँ 12:30 बजने वाले हैं, 4 मिनट है। मैं थोड़ा लेट जा रही हूँ क्योंकि मेरा सच बताऊँ मन तो था ही नहीं, बट काम बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रहा है, टच वुड माता रानी की कृपा है। तो इस वजह से मैं नहीं गई तो ठीक नहीं होगा। काम है, काम करेंगे तभी लोग आएंगे। और चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उसके लिए भी मुझे जाना है। क्या पता मैं आज चली जाऊँ, ये वीडियो आगे कंटिन्यू ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वरना कल सुबह निकलूँ, ऐसा भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि आधे दिन में निकल जाऊँ और कल दोपहर तक आ जाऊँ, तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं खाना खाती हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। जा रही हूँ आज अकेले, आज ही नहीं, क्या काफ़ी बार पहले भी गई हूँ, पर पिछले कई दिनों से किसी न किसी के साथ आ रही थी, या तो लक्की या विपिन, इन दो के। तो आज जा रही हूँ मैं अकेले। मैंने कहा चलो चलते हैं, खा पी लिया था, घर में इधर उधर झांक लिया था, क्योंकि वो तो मैं पहले ही समेट देती हूँ, पर एक बार ही फिर भी कि कुछ हो ना। विपिन को पता नहीं है कि मैं अकेले जा रही हूँ, वरना वो फिर कुछ ना कुछ करते, रिक्शा भेजते। जबकि मेरे घर से मेरी शॉप 1 किलोमीटर दूर है, तो इतना तो बंदे को चलना चाहिए यार। तो इसलिए तो मैंने उनको बताया नहीं, शॉप पे पहुंच के बताऊंगी कि मैं आ गई। शॉप पे पहुंच चुकी थी, उसके बाद काम वगैरह किया, और उसके बाद जो है अभी टाइम है लगभग 6:15 बजे का। अंधेरा आजकल जल्दी ही हो जाता है। तो अभी जो है कुछ कस्टमर्स हैं, मैं उनसे कुछ बात कर रही थी, उन्होंने परचेजिंग की थी, और उसके बाद जो है मुझे निकलना है। निकलना का है मार्केट के लिए, कुछ शॉपिंग बाकी है चिटर पुटर वाली, वो सब करने के लिए। क्योंकि जैसे करवा चौथ की जो शॉपिंग होती है ना, वो बंदा बिल्कुल ऐसे करता है जैसे किसी शादी ब्याह में जाने के लिए, किसी ख़ास शादी ब्याह की शॉपिंग हो उस तरीके से। तो फिर उसके लिए ना वैसे ही टाइम चाहिए होता है, एक दिन में नहीं हो सकता पूरा। एक दिन जैसे आपके कपड़ों की शॉपिंग, एक दिन अगर आपको ज्वेलरी लेनी है उसकी शॉपिंग, एक दिन आपके कॉस्मेटिक की शॉपिंग, इस तरीके से 2-3 दिन लगते हैं। तो सेम वैसे तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, शाम के 6 बज रहे हैं। यहाँ कभी इतनी भीड़ देखते नहीं है ना, हालांकि इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे जितनी इस टाइम पे। मैंने तो हापुड़ की भीड़ देखी है, देखो मैं इसीलिए हापुड़ का नाम लूंगी। ओ भाई साहब, मेरे को तो डर लग रहा है रोड पे, यहाँ पे बहुत भीड़ है।
पूरे हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके मार्केट में है, ये उस चीज की भीड़ है, पति पत्नी के प्यार की भीड़ है ये। तो हम भी निकले हुए हैं अपने हस्बैंड के साथ। थोड़ी सी मेरी गलती नहीं है, मैंने आपको बोला था, वेट भी तो बहुत हो गया ना, अंधेरा हो गया यार, आप ही लेकर आए हो गाड़ी, मैंने तो आपको बोला था, मेरे को मन बोलना है चीज बार बार, क्योंकि मेरी गलती नहीं है। तो मैं जो है मार्केट का काम कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, हालांकि किसी का भी नहीं हो पाता है, शादी ब्याह की शॉपिंग हो या करवा चौथ की शॉपिंग हो। तो पार्लर का हो गया था और गोल्ड का हो गया था, जो कि मैं आपको कौन से रोड पे है, इधर तो मेरी क्या शॉपिंग बाकी है, मेरी शॉपिंग बाकी है चूड़ी कंगन, भाभी को जो पहनने में सामान देना है, वो बहुत सारी चीजें जो है इस तरह की। बहुत भीड़ है मार्केट में भाई आज। सामान दिखाती हूँ, ये लो मेरे, देखो इतना सा सामान, इतना बड़ा बैग। चलो इन दोनों से शुरू करती हूँ, ये दोनों मेरे पास ही बैठी हुई हैं। अब कुछ शॉपिंग करो तो फिर ऐसा कुछ दिख जाए तो मन होता है ना कि चलो अपनी बच्चियों के लिए लेके चलते हैं। तो फिर मैंने कहा अलग अलग कलर में लूँ, तो मैंने कहा थोड़ा दोनों में से एक को ये ना हो कि उसका ज़्यादा अच्छा हो उसका ज़्यादा अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं एक ही कलर में ले लेती हूँ। तो मैंने ये दोनों के लिए सेम कलर सेम डिज़ाइन सेम सब कुछ ये लिया, और मेरे हाथों पे 36 तरह की नेल पेंट है, क्योंकि मैं वहाँ ट्राई कर रही थी नेल पेंट, तो इन दोनों के लिए लिया है। कैसा लगा? चलो अपना अपना ओपन करो, लो ओपन करके मेरे को दिखाओ। फिर मेरे को चाहिए ये नेल पेंट रिमूवर, ख़त्म हो रखा है। कैसा लगा? लग रहा है ना सुंदर है, अच्छा है, फिर नहीं तोड़ देना। पिछली बार भी जब पिज्जो पे लाए थे तब भी मैं इनके लिए एक लाई थी, दोनों ने तोड़ दिया। तो ये नेल पेंट रिमूवर हो गया है, और ये मेरा फाउंडेशन है, पैक इतना बड़ा है पर फाउंडेशन छोटा सा है, कलर बार का है। मैं मोस्टली जो प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ वो या तो कलर बार के होते हैं या दूसरा कौन से, मेरे पास शुगर। तो लो भाई खोलो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया था ना, तो यहाँ पे लगाने के बाद जो वो है, ये वाला शेड मुझे सही लगा था, ये वाला शेड मुझे ज़्यादा चिकटा लगा था, तो अब पता नहीं, अब पहले एक बार शेड देखूंगी फिर मैं कल को चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि महंगा है चीज तो फिर वो भी नहीं होती, क्योंकि एक बार ही हमारा शेड थोड़ा वैसा आ गया था। ओ ये तो अगर खुल गया तो रिटर्न ही नहीं होगा। तो फिर बोला आपने शेड चेंज गलत दिया है ना, वो तो हमको बोल सकते हैं, हमको बहुत ध्यान खोलना तो बाद में भी पड़ेगा ना, कभी तो खोलो भी चेक करने के लिए, इतना ऐसा ही खोल के हल्का से निकाल के चेक कर लो। अरे ऐसे ही देख लो ना, नहीं सही है, नहीं मुझे ब्राउन लग रहा है, आई ना अपने मुंह पे लगा दो। ये देखो नहीं सही लग रहा मुझे, मेरे को भी डार्क ही लग रहा है, कहाँ है ना डार्क है, उसको चिपका दे फिर वापस से यार, मेरे स्किन पे लगा दो। मेरे इस हाथ पे लगाया था, इस हाथ पे लगाया था, ये वाला नहीं लिया था, ये ज्यादा चिट्टा लग रहा था। अच्छा तो हाँ ठीक है, फिर तो आपको यही वाला है, ये मेरे को ज्यादा चिट्टा लग रहा था ना, नहीं सही है, फिर ना वो ज्यादा चिट्टा सा हो जाता है ना, चिट्टा चिट्टा नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता ना, सही है। अभी वीडियो चालू है, मैं लोगों को सामान को दिखा दूँ। फिर ना मैंने सोचा कि चलो एक आई शेडो पैलेट भी लेते हैं,
तो एक आई शेडो पैलेट लिया, आप मटर छीलो बैठे बैठे, खाते खाते चिप्स खाते खाते। ये मैंने एक आई शेडो पैलेट लिया, अभी हम शॉप से जस्ट आए हैं, बैठे आप ही के सामने हैं, उससे पहले बैठे नहीं है। एक चिप्स मेरे को भी देना। ये वाला आई शेडो पैलेट है, दूसरे वाले जो कलर्स थे ना बड़े डार्क से थे। नहीं सही, ब्लैक और होता है, ब्लैक स्मोकी आई देता है ना, वो अच्छा लगता है, काले भी यूज कर सकते हैं। चूड़ियाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा था और मुझे चूड़ियाँ चाहिए थी, मैंने ये वाला कलर ले लिया। मैं एक कड़े ढूंढ रही थी जिसमें झुमकी होती है, एक लटकन वाली, एक ही झुमकी वाला चाहिए था, बहुत सारी झुमकी है इतनी लंबी लंबी नहीं, बट एक झुमकी वाला मिला नहीं। अब मिला नहीं तो मिला नहीं, क्या कर सकते हैं, वही अपना पुराना। हमारे घर में टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे लगता है ख़त्म हो गए, मतलब आप बोल सकते हो हाइजीन पे पूरा ध्यान है। तो ये दो टूथपेस्ट लेके आए क्योंकि विपिन जो है बाहर ही नहाते हैं, उधर वाले बाहर की साइड भी हमारा वॉशरूम भी है, वो भी है। तो ये इन दोनों के लिए एक चीज़ और है ये। अब मेरे को ना खुशी के फेस वॉश पे ऐसे लग रहा था, मैं बड़ा पैक नहीं लाई कि ये चेंज तो नहीं हो गया, पैकेजिंग चेंज हुई है। तो मैंने कहा उसको ये पता नहीं, ये वही है कि मुझे इतना पता है ब्लैक वाला पॉन्ड्स का लगाती है ये। अब जो पहले मैं इसका लाती थी वो मुझे याद है कि कौन सा आता है, तो उसमें मैं बहुत बड़ा पैक भी लेकर आई थी, तो फिर मैंने कहा अभी मैं यही लेके चलती हूँ, तो गुड्डू का ये, तो मैंने कहा ले लेती हूँ इन दोनों के लिए भी। और मेरी ये लिपस्टिक है, आप लोगों को मेरा लिपस्टिक कलेक्शन देखना है, और साथ ही साथ जो है मेरा मास्क और शैम्पू लेकर आओ बाथरूम में से, मुझे याद आ गया किसी को मेरा बहुत दिन से मैसेज कर रहे हैं वो। मैं तो कह रही यार इतनी बड़ी इसमें इतना भारी लग रहा है क्या इसमें, शुक्र है तोल के नहीं मिलता वरना बहुत ज्यादा वो होता। मतलब पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बट इतनी बड़ी चीज पर्स में डालो, वैसे भी हमें लिपस्टिक ही डालनी है, तो इन्होंने ना एक्स्ट्रा कैप दिया है। बाई चांस अगर आपकी लिपस्टिक का कैप गुम जाए तो आप ये वाला भी लगा सकते हो। शेड नहीं समझ आ रहे थे कौन सा लूं, तो मैंने ये वाला शेड लिया क्योंकि मेरे पास ये उसमें पिंक लग रहा है, ये पिंक नहीं है, नहीं, बहुत डार्क सा, सही लिया ना तुमने, क्योंकि मेरे पास पिंक भी है। नहीं, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास। आप लोग मतलब कमेंट आ रहे थे, अरे वाह मैग्नेट, हाँ एकदम से वो कर रहा है, अरे वाह। अभी पिन जी भी यहीं बैठे हैं। इसी बीच में आपको ये सामान दिखा रही हूँ जो मैं अब नहीं लाई हूँ, मेरे पास था। आप लोग बोल रहे थे कि आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो, कौन सा मास्क यूज करते हो, तो वो मैं इसीलिए शो कर रही हूँ कि देखो ये वाला मैं मास्क यूज करती हूँ, ये वाला मैं शैम्पू यूज करती हूँ। ये मेरे जो पार्लर वाले भैया हैं उन्होंने वो ही मेरा चेंज करते रहते हैं क्योंकि मैंने स्मूथनिंग वगैरह कराई थी। मेरा ये भी पूछ रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा ही है देखो अब तो करा ली, बाल नॉर्मली टूट रहे हैं, ऐसे ही सबके टूट रहे हैं और ऐसे ही मेरे टूट रहे हैं। तो ये लॉरेल का है ये वाला, और इसी का मेरा मास्क है ये वाला। और अब की बार जब मैं कल गई थी तो भैया ने बोला नहीं वो शैम्पू चेंज होगा अब आपका, आप पता नहीं। मैंने कहा भैया पर मैंने ऑनलाइन मंगा लिया क्योंकि मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, मुझे ना अपना फेस वॉश भी मंगाना है सेट अप। ये अभी दिखाऊंगी, ये भाभी का सामान है, ये तन्मय का ब्रश है, उसको बड़े दिन से लग रहा था मेरा ब्रश, जैसे ही मुझे दिखा मैंने ले लिया। भाभी वाला सामान, मैं भाभी वाला जब पूरा सामान दिखाऊंगी तभी दिखाऊंगी, अभी अपना दिखा देती हूँ। ये कॉर्न का पूरा वो है, पूरी कॉर्न ले आई मैं, काफी सारी 5-6 कॉर्न बोलते हैं। ये भी भाभी का है, ये फ्री मिला है, बॉडी स्क्रब है। कल तुम्हारी छुट्टी है, ये बिंदी इतनी ढूंढी रहता है, नहीं हमेशा नहीं होता, बिंदी बहुत सारी ढूंढी, बहुत सारी ढूंढी।
बहुत सारी भिंडी ढूंढी, मतलब कुछ फैंसी टाइप की नहीं मिली, तो मैंने फिर यही ले लिया लास्ट में, यही ले ली। ठीक है, लास्ट में मैंने फिर यही ले ली, दो भिंडी के पत्ते सिंपल भी लिए मैंने। और जब जैसे वहाँ से शॉपिंग करते हैं ना, ज़्यादा शॉपिंग होती है, तो जिस ब्रांड की शॉपिंग करते हो उनका कुछ आपको किट वगैरह मिलती है 4,000 या 3,000 की शॉपिंग पे। ये भी भाभी का है, ये भी नहीं दिखाऊंगी। ये नेल पेंट्स मैंने इन दोनों लड़कियों के लिए ली है, ये वाली, ये मैंने रबड़ ली है इन दोनों के लिए ली है, ये रबड़ भी दोनों की है। ये भाभी का है, ये मेरा क्लैचर है, ये तो इसकी मैच हो गया मेरे लिए भी है क्लैचर। ये भी भाभी का सामान है, ये भी भाभी का सामान है, ये मेरे पिन है, बस खत्म सब कुछ। भाभी का सामान सारा मैं आपको एक साथ एक ही दिन दिखाऊंगी, जो जो एक ही दिन नहीं मतलब कल दिखा दूंगी, कल दिखा दो, कल छुट्टी कर लेना ना, तो कल मैं आपको सारा सामान दिखा दूंगी जो भी है। और क्या नाम है, बस काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया होगा, कुछ दिखाना भूल तो नहीं गई। हाँ, हमने ना वो तन्मय के भी जैसे वो चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो वो सब भी लिया था। और क्या है, इसमें राशन भी लिया था, विपिन का भी है इसमें, और मेरा भी है। बैठ जा, ये इसमें मेरा भी सामान है, मेरा ब्लाउज, मेरी साड़ी, बट बस आप पूछो मत क्या क्या हुआ है। नहीं, ब्लाउज ये देखने में लग रही है, उतनी जाती है ये बाजू। अच्छा, बाजू, मैं तो बाजू ये सोच रही थी, हाँ सही है, नहीं सही है, जोड़ बोल रहे थे, कहीं भी नहीं जोड़ा है, पाइपिंग लगाई है, पता नहीं अपनी तरफ से लगाई है। ये वही प्लाजो वाले, तो सब कुछ मैंने आपको अपना शॉपिंग दिखा दी है जो भी था। और इसी के साथ मुझे लगता है इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए, बहुत लंबा ये वीडियो हो गया होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि ये वीडियो मैं सिर्फ इस पर एडिट कर दूँ और अपलोड कर दूँ, टाइम लिए चली जाए, क्योंकि फिर ना वीडियोस पीछे हो जाएंगे, आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा कि करवा चौथ का वीडियो 6 दिन बाद आप लोग देख रहे हो, तो थोड़ा सा वो रहता ही है। तो अभी कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी वीडियोस में एडिट कर दूँ, ये वीडियो भी मैं रात में एडिट कर दूँगी और कल टाइम से अपलोड कर दूँगी। तो चलिए, कार्तिक भी आ गया है यहाँ पे, कार्तिक सबको थैंक यू बोल दो, सब तुम्हें बहुत ज़्यादा विशेस दे रहे थे, थैंक यू सबको जिन्होंने भी हैप्पी बर्थडे विश किया, इसको हर जगह बर्थडे विश किया गया इसको, जैसे भाभी के चैनल पे, मेरे चैनल पे और दामनी के चैनल पे, सभी जगह पे इसको विश किया गया सबने। आप बस आप हमारे बच्चों पे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने सबसे पहले, तो फिर अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छे अच्छे काम करें, खूब पढ़े लिखें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, और क्या चाहिए पेरेंट्स को। तो चलो जी, अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, बाय बाय। चलो बाय बाय करो पीछे से, बाय बाय।